देश में कोरोना काल के बाद से केंद्र सरकार गरीब जनता के लिए मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार जनता के साथ घोटाले करने में जुटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 साल में 1,85,000 मृतक लोगों के नाम पर 88 करोड़ रुपए का गेहूं बांटा गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी फाइलों से मिली जानकारी के बाद हमें पता चला। अब आप सोचिए, कांग्रेस की सरकार ने पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना से इतना घोटाला कर लिया, तो पूरे प्रदेश की दूसरी योजनाओं का क्या हाल रहा होगा। ये लोग इतने पर नहीं रुके, पिछले 2 साल से राशन कार्ड में कोई भी नया नाम नहीं जोड़ा गया, लेकिन लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनते रहे और फिर भी कोई अपडेट नहीं किया गया। अब सोचिए, सरकार 20 रुपए में गेहूं खरीद कर जनता को 2 रुपए में बांटकर मदद कर रही है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार उससे भी घोटाले कर जनता के साथ धोखा करने में लगी है।